गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारी आर्ट चैलेंज सीरीज़ का डे 3 और आज हम बनाएंगे गॉन पेंटिंग। गॉन पेंटिंग में पिकॉक किस तरीके से बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। सो सबसे पहले मटेरियल हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये फोर शीट में यूज़ करूँगी, आर्ट शीट है ये, और पेन यूज़ करूँगी जेल पेन, आप कोई भी प्रोफेशनल पेन यूज़ कर सकते हैं, एक्रीलिक कलर, पेंट ब्रश और डॉट्स बनाने के लिए मैं ये मंडाला टूल का यूज़ करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी मैचिंग स्टिक यूज़ कर सकते हैं, सो उससे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि मंडाला जो गॉन पेंटिंग है हम बनाते हैं उसमें जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर ये जो ब्रश है ये मेरा 0 नंबर ब्रश है और इस ब्रश की हेल्प से मैं वो जो डिज़ाइन दिया जाता है ऊपर से वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या किया है, जो मेरी A4 शीट है ना, वहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंची बॉर्डर रेडी कर लिया है और इसको मैं कलर कर दूँगी। सो इसको आप स्केल्स की हेल्प से भी बना सकते हैं और आप हाथ से भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से पूरा कलर कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे बीच में जो हमारा मेन एलिमेंट है पिकॉक, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ बना रहे हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ पेन, आप पेंसिल से बना लीजिए, पहले रफ बना लीजिए, उसके बाद कलरिंग कर लीजिए एंड जब फाइनल टच आप देंगे तो उसको आप पेन से दे सकते हैं। लेकिन ये सब काम आप तभी करेंगे, पेंसिल का यूज़ तभी करना है जब आप पेपर पर वर्क करें। अगर आप कैनवास पर वर्क कर रहे हैं तो भी आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका हैंड इतना फ्री होना चाहिए कि डिज़ाइन आपका अच्छे से बने, क्योंकि कैनवास पे भी हम इरेज नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जल्दी से एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे जैसा भी पिकॉक हमें चाहिए। आपके ऊपर है ये, आप किस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहते हैं। कोई भी फाउंडेशन इस तरीके की नहीं है, बस थोड़ा सा जो टेक्निक होती है कलरिंग की और डिज़ाइन देने की वो गॉन पेंटिंग में बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये जो स्केचिंग है मैं रेडी कर रही हूँ, तो आइए जल्दी से इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरा जो पिकॉक है वो रेडी हो चुका है, पूरा बना दिया है मैंने। सो मेन चीज़ अब आती है यहाँ पे कलरिंग की। देखिए, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गॉन पेंटिंग में। अगर आपका पहला बेस, जो पहला जो बेस रेडी करते हैं कलर से, अगर वहीं गलती हो गई ना तो आपके जो गॉन डिज़ाइन है वो उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। सो इसलिए इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे हमें पहले करना क्या है, हमने जो पिकॉक बनाया है उसमें आप अपनी फेवरेट कलर, कोई भी अपना जो आपको कलर कलरिंग अच्छी लग रही है, कलर्स अच्छे लग रहे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए। जब हम इसको पूरा फिल कर लेते हैं उसके बाद हमें करना क्या है, ब्रश को अच्छे से, मतलब बहुत कलर उसमें नहीं होना चाहिए, और उसको कलर को पूरा प्रॉपरली स्प्रेड करना है। कहीं पर भी कलर बहुत ज़्यादा और कहीं पर कलर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है गॉन पेंटिंग में। एक स्मूथ सरफेस हमें क्रिएट करना है जिस भी कलर से हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं। सो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर अपने पूरे पिकॉक में कलर कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने जो फेदर है वो ब्लू और ग्रीन कलर से दिए हैं और जो बॉडी है वो ऑरेंज और येलो कलर से दी है। हमेशा सेम फैमिली का कंट्रास्ट रखें तो कलर, जो कलरिंग है और जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। सेम फैमिली मीन्स, जैसे अभी ये रेड की फैमिली है, येलो है, ऑरेंज है, मतलब सेम कैटेगरी का जो कलर आप यूज़ करेंगे ना, उससे आपका जो डिज़ाइन फिर बाद में जब आप गॉन डिज़ाइन बनाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। सो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं जल्दी से अपने पिकॉक में पूरा कलर कर लेती हूँ। ये लास्ट फेदर भी यहाँ बचा था, इसको भी मैं जल्दी से कलरिंग कर लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी कलरिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से कलर किया है बीक में और ऊपर जो कलगी होती है वहाँ पे ब्राउन कलर दिया है। अब आता है मेन पार्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैक पेन लेना है और उसको आउटलाइन करनी है, पूरी पिकॉक को आउटलाइन करनी है। और इसमें सबसे खासियत बात ये होती है, जैसे कई बार आप वाटर कलर भी अगर यूज़ कर रहे हैं और आपका जो लाइंस है वो हाइड हो जाती हैं कलर से, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम फाइनल आउटलाइन देते हैं तो उसमें वो अच्छी दिखने लगती हैं। अब आता है यहाँ पर मेन पार्ट, जो गॉन पेंटिंग में आपने अक्सर देखा होगा, टेक्सचर डिज़ाइन देने का। मतलब गॉन आर्टिस्ट जो होते हैं या गॉन पेंटिंग जो बेसिकली होती है वो होती है आप कलर कर लीजिए, उसके ऊपर से आपको टेक्सचर देना होता है। ये खासियत है इस पेंटिंग की। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है कलर जो किया है उसके ऊपर पेन की हेल्प से यहाँ पर 3 लाइंस का सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहें तो चेक्स बना सकते हैं, बट मेनली जो आप डिज़ाइन देखेंगे वो इसी तरीके का सेमी सर्कल आपको ज़्यादा मिलेगा या लाइनिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ये भी एक ट्राइबल आर्ट है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है। सिंपल, हर ट्राइबल आर्ट में आपको सिंपल काम ही मिलेगा देखने को, यही खासियत होती है ट्राइबल पेंटिंग्स की। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। अब आती है फिनिशिंग टच। तो जहाँ पर मेरा ये 3 सर्कल्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे थे सेमी सर्कल, वहाँ पे मैं उनके पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे डॉट वाइट कलर से डॉट डाल दूँगी। यही चीज़ें हैं जो गॉन पेंटिंग को बाकी की पेंटिंग से अलग बनाती हैं। बाकी कलरिंग, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब चीज़ों का सेम रहता है, बट यही जो टेक्निक है जो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, टेक्सचर्स देना कलर्स के ऊपर, यही चीज़ है जो डिफरेंट है और गॉन पेंटिंग को सब पेंटिंग से अलग करती है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ में। सो यहाँ तो हमने विंग्स में ये डॉट वाला डिज़ाइन दिया, बॉडी में भी हम जहाँ पर हमने ब्राउन शेड दिया है वहाँ पे हम ये डॉट डिज़ाइन देके उसको डिफरेंट कर देंगे। इसके बाद एक और चीज़ है कि जो कलर हमने बॉडी में यूज़ किया है ऑरेंज एंड येलो, सेम कलर को अपोजिट कलर के ऊपर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से, तो चलिए जल्दी से मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, हल्का जो ब्रश मैंने अभी लिया था 0 नंबर, उसको कलर में डिप करेंगे और इस तरह से हम उसको टेक्सचर देंगे। सो येलो है तो येलो पे मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर के ऊपर मैं यूज़ करूँगी येलो कलर। सो सेम, बहुत इजी चीज़ है ये। सो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं जल्दी से पूरे पिकॉक को यहाँ पे कंप्लीट करके आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पिकॉक है हमारा वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये मैं अभी ऑरेंज पे येलो वाला लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, तो जल्दी से मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो जल्दी से यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये था फाइनल लुक इस पेंटिंग का। कैसी लगी मुझे, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं अपने चैनल पे अभी चला रही हूँ 10 डेज़ का आर्ट चैलेंज, जहाँ पर 10 डेज़ में मैं इंडिया की जो 10 मोस्ट पॉपुलर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्ट पेंटिंग्स हैं, फोक पेंटिंग्स है, उनको यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। एलिमेंट हमारा सेम रहेगा बट बनाने का और कलरिंग का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट रहेगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है ये। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो ये पिकॉक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की पेंटिंग्स, इजी पेंटिंग्स को बनाना सीख सकें।
सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल trivenika.art पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।